हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में बात करेंगे नेशनल इनकम के मेज़रमेंट के पहले मेथड को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया हुआ है हमारा नया चैप्टर, जिसमें हम नेशनल इनकम के मेज़रमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि नेशनल इनकम का मेज़रमेंट क्यों किया जाता है या उसका क्या पर्पस होता है, जो किसी भी इकोनॉमी के एक इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता लगाने में हेल्पफुल इंडिकेटर है। इस वजह से हम किसी भी देश के नेशनल इनकम को काउंट करते हैं या मेज़र करते हैं। ठीक उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी में भी नेशनल इनकम का मेज़रमेंट होता है हर एक फाइनेंशियल ईयर का, और ये किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि नेशनल इनकम को मेज़र करने के टोटल तीन तरीके हैं। तीनों तरीके हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्री फेजेस से लिए थे, जहाँ पे पहला फेज़ प्रोडक्शन फेज़ होता है, दूसरा इम्पॉर्टेंट फेज़ इनकम फेज़ है, और तीसरा फेज़ होता है एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंग टू दैट नेशनल इनकम के मेज़रमेंट के भी तीन तरीके थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आज के क्लास में पहले मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि है वैल्यू एडेड मेथड। क्या है ये मेथड और कैसे इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को मेज़र किया जाता है, ये सारी बातें हम हमारे आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जहाँ पे हम नेशनल इनकम के अकाउंटिंग के पहले मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। और जो इस मेथड का नाम है, बिल्कुल उसी तरह से हम नेशनल इनकम को काउंट भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि वैल्यू एडेड मेथड जो है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आप इसको ऐसा समझो। तो चलो पहले इसका मीनिंग देख लें। वैल्यू एडेड मेथड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ या वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स जिसको आप रॉ मटेरियल से यहां पे मतलब है इंटरमीडिएट गुड्स, बाय ए फर्म, चूंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो फर्म के द्वारा यूज किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बाय वर्च्यू ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, अब आप देखें कि क्या यहाँ पे हमने लिखा है मतलब, या जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड मेथड का वो क्या कहता है। तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब हो गया एडिशन। देखो इस मेथड में एक वर्ड है एडेड, जिसमें हम एडिशन की ही बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि हम किसके एडिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या किस चीज़ को हम जोड़ रहे हैं। तो ये एडिशन को बताता है ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स। जितने भी रॉ मटेरियल्स फर्म के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, उन तमाम रॉ मटेरियल्स के वैल्यू को जब हम ऐड कर देते हैं, तो उससे हम जो नेशनल इनकम निकालते हैं उसे ही हम, उसी तरीके को हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स
जिसको हम रॉ मटेरियल से, यहाँ पे मतलब है हमारा क्या, तो इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स से यहाँ पे मतलब है वो तमाम गुड्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अनदर कमोडिटी। कोई भी सामान बनाने के लिए जिस भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हम, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और ये फर्म्स के द्वारा किया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान। तो उन्हीं के वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं या उन्हीं के वैल्यू का जो एडिशन होता है उसे हम, उस मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। ये एक तरह का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी एंटरप्राइजेस का टू द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या बात कर रहे हैं, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी देश में वर्तमान स्थिति में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, उसी फ्लो में वैल्यू एडेड मेथड की मदद से किसी भी एंटरप्राइजेस के द्वारा जो भी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, हम ये बात वैल्यू एडेड मेथड से आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ज़रा आप ध्यान दें। तो वैल्यू एडेड मेथड को हम एक डिफरेंस के तौर पे कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ द, या इट इज़ कैलकुलेटेड एज as the difference between the value of output and intermediate consumption एक्सपेंडिचर। वैल्यू एडेड की जब हम बात कर रहे हैं, मेथड की नहीं, वैल्यू एडेड, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो वैल्यू एडेड को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपको डिफरेंस से पता लग जाएगा वैल्यू कितना एक्चुअली ऐड किया गया है किसी भी एक एंटरप्राइज के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, कितना एक्चुअल वैल्यू कंट्रीब्यूट किया गया है। इस बात को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं बाय द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकाल करके किसके किसके बीच में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की जो भी फाइनल वैल्यू होगी, मतलब मार्केट में जो भी कीमत होगी, और उस वस्तु को, उस आउटपुट को बनाने में जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया गया है या जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर किया गया है, उन दोनों के अंतर से हम वैल्यू एडेड किसी भी कमोडिटी का या किसी भी एंटरप्राइजेस का निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, वैल्यू एडेड अगर हमको निकालना है तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट की कीमत होगी उसमें घटा देते हैं किसको, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तब जाकर के जो अंतर आएगा उसे हम वैल्यू एडेड कहेंगे कि इतना एक्चुअल वैल्यू है जो ऐड किया गया है बाय एन एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि ये वैल्यू एडेड कैसे हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें आपके इस मेथड के कॉन्सेप्ट के बारे में थी, आपको ज़रा ध्यान से इन बातों को समझना है
कि वैल्यू एडेड मेथड एक्चुअली है क्या, ठीक है, उसी को समझते हुए यहाँ पे आप देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कोई एक बेकरी शॉप है, ठीक है, जहाँ पे ब्रेड बन रहा है, ठीक। अब किसी एक बेकर को ज़रूरत है ब्रेड बनाने के लिए, ये बेकर है जिसको क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड जो है वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ब्रेड इस बेकर का आउटपुट है, यानी कि इसको आउटपुट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो इनपुट चाहिए होगा। अब ब्रेड बनाने के लिए इसको क्या इनपुट चाहिए होगा, तो ब्रेड बनाने के लिए इसको चाहिए क्या, तो आटा चाहिए, फ्लोर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बेकर ने क्या करा कि आटे को परचेज किया इसने 500 रुपीज में, ठीक है। आप सपोज कर सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी, इस बेकर ने क्या करा कि मिलर से जहाँ पे आटा बन रहा है उस मिलर से इसने 500 रुपीज में फ्लोर खरीदा, फ्लार खरीदा। अब आटे को खरीद करके इसने क्या करा, इससे इसने ब्रेड बना दिया। अब जब इसने ब्रेड प्रोड्यूस कर दिया तो ब्रेड की जो कीमत हुई बाज़ार में वो कीमत हो गई कितने रुपए की, तो इसने 700 रुपए में वो ब्रेड बाज़ार में बेचना चालू किया, ठीक है, बात समझना। आटा खरीदा क्यों, ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड को इसने 700 रुपए में सेल करा, और जबकि इसने आटे को कितने में ख़रीदा था, तो आटे को इसने 500 रुपए में ख़रीदा था। यहाँ पे ये जो आपका आटा है, ये जो इनपुट है, ये क्या है, तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, ये आपका इंटरमीडिएट गुड है, जिसकी मदद से ये क्या कर रहा है बेकर, तो ये ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है, फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये ब्रेड क्या हुआ इस एग्जांपल में, तो ब्रेड हो गया आपका आउटपुट, है ना, फाइनल आउटपुट जो कि प्रोड्यूस किया गया है। अब अगर हमको यहाँ पे जानना हो कि इस बेकर ने एक्चुअली कितना वैल्यू ऐड किया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसने टोटल नेशनल इनकम में एक्चुअली कितना वैल्यू ऐड किया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू एडेड निकालना है, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं, आउटपुट का वैल्यू, ये ब्रेड को कितने में बेच रहा था, 700 रुपए में, तो ब्रेड का वैल्यू हो गया यहाँ पे 700 रुपए, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसने आटे को कितने रुपए में खरीदा, 500 रुपए में, तो 700 माइनस 500 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 200। ये 200 जो आया है ये है आपका वैल्यू एडेड, विच मीन्स कि इस बेकर के द्वारा, इस एक फर्म के द्वारा, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इस एक फर्म के द्वारा एक्चुअल में टोटल वैल्यू जो ऐड किया गया है इन द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कितना ऐड किया गया, 200 रुपीज़। ये 200 रुपीज़ जो यहाँ पे है, दैट इज़ द टोटल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनमी। तो देखा कैसे निकाला हम लोगों ने, क्या करते हैं, आउटपुट जो बनता है वो इनपुट से बनता है, ये तो पक्की बात है। इनपुट यानी इंटरमीडिएट गुड्स कितने रुपए में परचेज किया गया, और फाइनल आउटपुट की क्या कीमत रही, उसका वैल्यू और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन दोनों को घटा देंगे तो हमेशा निकल के आ जाता है वो वैल्यू जो आपको बताता है एक्चुअल एडिशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यहाँ पे ये जो है आपका वैल्यू एडेड, इसी को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, इसी को हम जानते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यही क्या है, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी एंटरप्राइजेस के द्वारा ऐड किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनका जब हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो निकल के आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है,
जितने भी, एक बार और सुनिए, जितने भी एंटरप्राइजेज हैं देश में, किसी एक पर्टिकुलर देश में, नेशन के अंदर, उन सब के द्वारा टोटल जो भी एडिशन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू में, उसी को हम दूसरे शब्दों में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. और जब आप इन तमाम वैल्यूज़, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, उन सब के द्वारा नेशन में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया गया है, सबका सम कर देंगे तो निकल के आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस. गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी देश में, उसका जो भी मार्केट प्राइस है वो आपको निकल के आ जाता है. सो सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और इस तरह से नेशनल इनकम की अकाउंटिंग जो है वो करी जाती है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. अब यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस वैल्यू एडेड मेथड को बतला देती हूँ ताकि आप इसको याद रख सकें और इन द एग्जामिनेशन आप इसको ठीक इसी तरह से प्रेजेंट करते हुए नेशनल इनकम की अकाउंटिंग जो है वो दिखा सकें. ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में कैसे और कितने स्टेप्स हम लेते हैं वो हम देख लेते हैं वन बाय वन करके, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हुए नेशनल इनकम की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे इस मेथड में, जो सबसे पहला स्टेप आप लोगे वो हम लोग लेते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड. ध्यान दीजिएगा, जीवीए अभी अभी बताया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर. देश में जो प्राइमरी सेक्टर है, शॉर्ट में एग्रीकल्चर, या दूसरे शब्दों में एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें जितना भी टोटल वैल्यू ऐड किया गया, वो इसी में प्लस करेंगे हम. सिर्फ प्राइमरी सेक्टर तो नहीं है, और भी सेक्टर्स हैं जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर का भी लो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज ऐड किए गए उनका टोटल वैल्यू, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, जिसमें हम कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की. इन तीनों ही सेक्टर का टोटल वैल्यू जो है वो हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, जिससे निकल के आ जाएगा हमारा क्या, तो इसी से निकलेगा सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. अभी अभी मैंने आपको बताया, इन सबको जोड़ेंगे तो सम निकल के आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि किसके बराबर है. अभी बताया आपको कि सम कर देंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, तो निकल के आ जाता है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, स्टेप्स ध्यान देना, हमने तीनों सेक्टर का जितना भी वैल्यू ऐड किया गया है वो ग्रॉस वैल्यू ले लिया, और उस वैल्यू में हमने क्या करा कि उन सारे वैल्यूज़ को हमने जोड़ दिया. जब हमने सम कर दिया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का, तो निकल के आ गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब हम घटाएंगे, अगला स्टेप है ध्यान दीजिएगा, जब हम इसमें घटाएंगे, किसको घटाएंगे, डेप्रिसिएशन को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में डेप्रिसिएशन हुआ है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, साथ ही साथ इसमें हम घटाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारे टर्म्स जो हैं ये हमने वन बाय वन करके डिस्कस किए हुए हैं आपको प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरह से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हो गया, तो डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सब्सिडीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो निकल करके आ जाएगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे देखो दोनों घटा दिया है, डेप्रिसिएशन के घटाने से क्या हो जाएगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब इसमें घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा यहां पे निकल कर आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों चीजें यहां पे एक साथ हमने घटा दी ताकि दोनों टर्म्स जो हैं वो हमें इकट्ठे एक साथ मिल जाएं, और इस तरह से हम यहां पर देख पाएंगे कि कैसे हमारा नेशनल इनकम जो है वहाँ तक हम कैसे पहुँच जाते हैं। तो जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको सिंबलाइज कर सकते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक, और NDP एट फैक्टर कॉस्ट में अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन घटाया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हमने घटा दिया था, अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ देंगे तब जाकर के हमारा निकलेगा क्या, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको हम सिंबलाइज कर देते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग दूसरे शब्दों में नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई हैं ऑलरेडी, यहाँ पे बस मैं आपको सम करके बता दे रही हूँ सारे टर्म्स का कि कैसे स्टेप बाय स्टेप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करी जाती है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले तो वैल्यू एडेड है क्या तो वो आप समझ लें। तो वैल्यू एडेड में हम लोगों ने क्या देखा, तो वैल्यू एडेड जो होता है वो डिफरेंस को बतलाता है, किसके किसके डिफरेंस को, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट बनाया गया उसका जो भी वैल्यू है, और उस कमोडिटी को बनाने में जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया गया हो, उन दोनों के बीच का अंतर होता है वैल्यू एडेड। हमने क्या करा है, तो सबसे पहले हर एक सेक्टर का जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड था वो ले लिया, क्योंकि ये हर एक फर्म का होता है, ईच एंड एवरी फर्म का, तो एक सेक्टर में बहुत सारे फर्म्स हैं, तो हमने उन सब के ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को क्या कर लिया, सबसे पहले तो हमने जोड़ लिया। जब हमने ये काम किया तो हमारे पास निकल के आ गया सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिससे हम लोग कहाँ पहुँच गए, GDP एट मार्केट प्राइस में।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या किया हमने, घटा दिया डेप्रिसिएशन को और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तब हम कहाँ पहुँच गए, तब हम पहुँच गए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ा, तब जाकर के हम पहुँचे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को पे, विच इज़ इक्वल्स टू नेशनल इनकम। यहाँ पे मैंने तुमको पूरे डिटेल में बता दिया है, डिटेल्स में लिख करके यहाँ पे तुमने याद रखना है, ऐसा सम कर लेंगे आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को, जिससे आप पहुँच जाएंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आप घटा देंगे डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन के घटाते ही आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में आप घटाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कहाँ पहुँच जाएंगे आप, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। इसमें आपने क्या करना है, तो आपको जोड़ना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, जब आप ये करेंगे तो आप पहुँचेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। देखो यही सारे स्टेप्स हैं, इसी को एक तरफ डिटेल में बता दिया है और यहाँ पे शॉर्ट में तुमने याद रखना है, समझने के बाद कुछ इस तरह से शॉर्ट में बस आप 4 से 5 स्टेप में पहुँच जाएंगे नेशनल इनकम पे अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड। और इस तरह से नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करी जाती है वैल्यू एडेड मेथड की मदद से, जहाँ पे हर एक स्टेप में हमने देखा कि कैसे हम वैल्यू एडेड मेथड की मदद से नेशनल इनकम निकालते हैं। यहाँ पे एक दो बातों का ध्यान रखना होता है इस मेथड में, और वो ध्यान देने वाली बातें या प्रिकॉशंस ये हैं कि जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं इन द कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो हमेशा हम ये ध्यान देंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को घटा देते हैं इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट गुड्स का एडिशन नहीं होगा इन दिस मेथड, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो जब आप दोबारा नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में उसको ऐड कर लोगे तो वो डबल काउंटिंग में चला जाएगा, जिससे कि नेशनल इनकम का ठीक ठीक मतलब या ठीक ठीक पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, डबल काउंटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है इस वजह से। इसको मैं यहां पे आपको पॉइंट वाइज कर देती हूं, अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, क्या क्या सावधानियां हमने रखनी होती है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करना होता है इन नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज ये डबल काउंटिंग की समस्या को उत्पन्न कर देगा, ठीक। उसके अलावा सेकंड प्रिकॉशन के तौर पे जो हमारी इकोनॉमी में सेल और परचेज होता है, सेल और परचेज किसका, तो ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनके सेल और परचेज का जो भी वैल्यू है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि देखो वो सेकेंड हैंड गुड्स हैं। अब सेकेंड हैंड गुड्स जो हैं जब वो फर्स्ट हैंड रहा होगा तब वो ऑलरेडी
नेशनल इनकम में ऐड हो चुका होगा। जब दोबारा वो वापस से खरीदा या बेचा जा रहा हो, उस केस में वापस से अगर हम उसके वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वो इकोनॉमी के करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सेल या परचेज जो भी सेकेंड हैंड गुड्स का किया जाता है उसको नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से अगला पॉइंट होगा आपका प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो कि पर्टिकुलरली टर्शरी सेक्टर पे लागू होगा इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? तो वो ध्यान दो तुम कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वैसे सर्विसेज का जो सेल्फ कंजम्पशन में इंक्लूड किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे टर्शरी सेक्टर नहीं है, ये यहाँ पे हमने जो सर्विस की बात करी है वो हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, जिसको डोमेस्टिक सेक्टर भी कह सकते हो। तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक हाउसवाइफ्स जो हैं वो किचन में खाना बना रही हैं, या घर पे मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पे जो भी सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली नेशनल इनकम में इंक्लूड हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसके एग्जैक्ट वैल्यू को मेज़र करना कि कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से हम इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक उसी तरह से जो प्रोडक्शन होता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो हम खुद के इस्तेमाल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, सॉरी उसको हम एक्चुअली इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपका प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो एक्चुअली देश के करंट फ्लो में एडिशन कर रहे हैं, तो भले ही वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रहा हो लेकिन क्योंकि उसका प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो उनको हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके एस्टिमेट्स को हम इंक्लूड करते हैं भले ही वो मार्केट में बेचा नहीं गया है, इसलिए हम उसके एस्टिमेटेड वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि मार्केट में नहीं बिका है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो ले पाना मुश्किल होगा, बट क्योंकि हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उनका इस्तेमाल किया है तो उसके एस्टिमेटेड वैल्यू को हम ज़रूर ले सकते हैं। इस तरह से वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्रोडक्शन किया जाता है फॉर द सेल्फ कंजम्पशन उनको हम यूज़ करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होता है जो कि ओनर के द्वारा किया जाता है, जैसे कि ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस इनको हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या मतलब हो गया कहने का? तो वैसे गुड्स एंड सर्विसेज में हम उनको भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लोग जो कि अपने खुद के घरों में रहते हैं बट किसी को वो पे नहीं कर रहे हैं, है ना, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, लोग जो अपने खुद के घर पे रह रहे हैं लेकिन उसका किसी को रेंट पे नहीं कर रहे हैं, भले ही वो हाउसिंग सर्विसेज जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक उन लोगों की सिमिलर जो लोग रेंट पे किए हुए घर में
सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी वैल्यू होगा सच हाउसिंग सर्विसेज का, उसको एस्टिमेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेंट ऑफ द सिमिलर एकोमोडेशन। सच एन एस्टिमेटेड रेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड रेंट या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। बात समझ में आ गई? दो व्यक्ति हैं, ठीक, दो व्यक्ति हैं, अब इसका नाम है ए और इनका नाम है बी। ए जो है इनके पास खुद का घर है, घर तो है दोनों के पास, दोनों घर पे रह रहे हैं, लेकिन ये जो घर है ये इनका खुद का है जिसका ये किसी को रेंट पे नहीं कर रहे हैं। और बी भी बिल्कुल सिमिलर घर पे रह रहा है, सिमिलर लाइक सेम टू सेम नहीं है एग्जैक्ट, बट वो भी उन्हीं सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं जो ए उठा रहे हैं, लेकिन बी को रेंट पे करना पड़ता है। इस केस में ये वाला पॉइंट कहता है कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगा ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्यूटेड वैल्यू? तो जो ए है ये जो भी सुविधाओं का लाभ उठा रहे, घर पे रह रहे तो सुविधा मिली रही है उनको, है ना, जो कि बी के द्वारा उठाई जा रही सुविधाओं से काफी मिलता जुलता है, जबकि बी रेंट पे कर रहे हैं और ए को कोई रेंट नहीं देना पड़ता, नो रेंट। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो ए के घर का मार्केट रेंट होगा, जो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेंट बनता है, उसके एस्टीमेट को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि नेशनल इनकम में हम ओनर के द्वारा जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस हो गए उनके वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज वो भी गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस की यहाँ पे बात चल रही है, तो सर्विसेज में इनके द्वारा भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, भले ही वो रेंट नहीं दे रहे हैं। तो जो सिमिलर रेंट का हमने यहाँ पे एस्टिमेशन किया है फॉर पर्सन ए, उसको हम यहाँ पे इम्प्यूटेड रेंट बोलेंगे या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस बोलेंगे, और उसको हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि जो भी आपका स्टॉक ऑफ गुड्स में चेंज होता है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, जो भी इन्वेंट्री स्टॉक्स वगैरह है हमारे, उन इन्वेंट्री स्टॉक में जितना भी चेंज आता है, तो जो भी नेट इंक्रीज हो रहा है हमारे स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज में, उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक तरह के कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, उसमें जो भी इंक्रीज आता है, मान लो गुड्स एंड सर्विसेज बनी हुई है इंडस्ट्री में और वो बन के एज अ स्टॉक रखी हुई है, पड़ी हुई है, उसको बेचा नहीं गया है लेकिन बेचा जाएगा, तो उनके वैल्यू में ड्यूरिंग या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी चेंज आता है, नेट इंक्रीज आता है, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो एक तरह का कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी संचय का एग्जाम्पल हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के प्रिकॉशंस के साथ हमने क्या करना होता है कि नेशनल इनकम की काउंटिंग या उसका मेजरमेंट करना होता है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो सच प्रिकॉशंस जिनका हमको ख्याल रखना होता है जब भी हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की मदद से। इसी के साथ पहला मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड, वो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेशनल इनकम को दूसरे मेथड के साथ मेजर करेंगे, जहाँ पे हम इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे डिटेल में एज सिमिलर टू द वैल्यू एडेड मेथड। आप सबका काम है वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स को अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ताकि इन द एग्जामिनेशन आपसे पूछा जाए आप बिल्कुल इसका आंसर जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर पाएं। थैंक यू।